हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी M35 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के साइड वाले पावर बटन को दबाए बिना आप अपने फोन को स्विच ऑफ कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप अपने मोबाइल फोन के साइड वाले पावर बटन को दबाए बिना फोन को स्विच ऑफ कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग का पेज ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड आना है, यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी का ये ऑप्शन टैप करना है। ठीक है, अब इसके अगले पेज में आपको ये इंटरेक्शन एंड डेक्सटेरिटी का ऑप्शन आपको टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिलता है असिस्टेंट मेन्यू का, इसे आपको टैप करना है। इसके नेम के ऊपर ही आपको टैप करना है। ठीक है, तो आपका ये असिस्टेंट मेन्यू का पेज आ जाता है। अब देखिए, इस वाले पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑफ के सामने एक ये बटन है ना, इस बटन को टैप करके ऑन करना है। तो इस बटन को आप टैप करेंगे ना, तो आपका एक ये पेज आता है, इसमें आपको नीचे अलाउ का ये ऑप्शन है, अलाउ पे टैप करना है। तो आपका ये जो बटन है, ये बटन ऑन हो जाता है। और जैसे ही ये बटन ऑन होता है ना, तो आपके फोन की स्क्रीन के ऊपर ये एक असिस्टेंट मेन्यू का एक ये बटन आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो ये बटन जो है ना, स्क्रीन के ऊपर आपको सभी जगह आपको दिखाई देगा। आप इस बटन का यूज ना कभी भी किसी भी वक्त आप इसका कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, इस असिस्टेंट मेन्यू के बटन को आपको है ना टैप करना है। ठीक है, टैप करेंगे तो आपका ये छोटा सा पेज ओपन हो जाता है। अब इस पेज को आप ना लेफ्ट और राइट स्लाइड कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि इसमें आपको और भी ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो देखिए, इस वाले पेज में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है पावर ऑफ मेन्यू का, ये वाला पावर ऑफ मेन्यू का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। ठीक है, आपका इस तरीके से ये पेज ओपन होता है, इसमें आपको ये ऑप्शन मिलता है पावर ऑफ का, ये वाला पावर ऑफ के इस ऑप्शन पे टैप करेंगे ना, तो इससे आपका मोबाइल फोन जो है वो स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये एक तरीका है मोबाइल फोन के साइड वाले पावर बटन को दबाए बिना फोन को स्विच ऑफ करने का तरीका। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो इस सेटिंग का फोन में अपने यूज करके देखिएगा। ठीक है।